This program is brought to you by the Indian Fun Car Show. Hello everyone, मैं सैयद अलताफ उसेन और आज यहाँ the Indian Fun Car Show पर आया हूँ। आपके सामने मैं एक ग़ज़ल पेश करने वाला हूँ ख़ास यहाँ पे। ये actually मेरी journey start हुई थी college से। College के ड्यूरिंग मतलब एक शौक था एक कवाली सुनने का नुसरत पति नुसरत फतेह अली खान साहब या गुलाम लीसा है उनके कवालियाँ ग़ज़लें सुनते 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 इस चीज़ में शौक़ आया उर्दू लिटरेचर में शौक़ आया ये शौक़ थोड़ा बढ़ता गया बढ़ता गया और उनके अलग अलग अशार सुन के उनके अलग अलग चीज़ों को फ़ील करके मतलब जो भी कवाली होती है इंसान उसको फ़ील कर लेता है कभी कभी सॉन्ग को जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो कॉलेज का लॉन्ग डिस्टेंस था तीस चालीस किलोमीटर उनको कॉलेज जाना होता था बस से तो पूरे रास्ते वही चलता था ये होते होते इतना इंटरेस्ट इसके अंदर आया कि थोड़ा गज़लें पढ़ना शायरी पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते 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 फिर एक बार ऐसा हुआ कि लिखना भी शुरू किया अब लिखते लिखते जाहिर सी बात है हम अगर कोई भी चीज़ हमारे अंदर नई चीज़ आती है तो एक्साइटमेंट में सबसे पहले अपने दोस्त को बताते हैं मैंने भी वही किया अपने दोस्त को बताया अपने दोस्त को बताने के बाद उसके सजेशन से मैंने वो चीज़ इंस्टाग्राम पर डालनी शुरू की इंस्टाग्राम पे डालते डालते नेटवर्क बनता गया लोग मिले अच्छे बड़े बड़े शायरों से मुलाकात हुई उन्होंने सिखाई कई चीज़ें सीखा और फिर जर्नी आगे बढ़ते बढ़ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे गया और इसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म मिला दी इंडियन फ़नकार शो जिसको चलाते हैं मिस्टर अभिषेक गलसर मल्टी टैलेंटेड अगर हम कहें तो एक टैलेंट का एक भंडार है एक इंसान मतलब सिनेमेटोग्राफ़र डायरेक्टर और अलग अलग आर्ट आर्ट में रुचि अलग अलग आर्ट में इंटरेस्ट रखने वाला इंसान और इनकी सबसे अच्छी बात के हमारी सिटी यानी दी सूरत सिटी के अलग अलग नए नए आर्टिस्ट को ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जिससे वो अपना एक्सप्लोरेशन पा सके अपनी आर्ट को अपनी कला को प्रेजेंट कर सके तो यही एक मैसेज आप लोगों को भी मैं देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आइए इनसे मुलाकात करिए दी इंडियन फ़नकार शो की यूट्यूब चैनल है उस पर जाइए उसको सब्सक्राइब करिए इनसे मुलाकात करिए अपनी आर्ट प्रजेंट करिए और यह आपको मौका देंगे आपको एक प्लेटफॉर्म मुआव करेंगे कि आप यहाँ पर आके कर बैठें और अपने आर्ट को प्रेजेंट करें और लोगों तक आपकी बात पहुँचाएँ तो धन्यवाद और आगे आप मेरी गजल सुनिएगा बहुत बहुत शुक्रिया हेलो एवरीवन दिस इज़ द इंडियन फनकार शो बाय मिस्टर अभिषेक गलसर आई एम सैयद अल्ताफ हुसैन एंड प्रेजेंटिंग माय गज़ल हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो स्टार्टिंग विथ मतला एक सूरज पे चांद भारी है एक सूरज पे चांद भारी है इसका मतलब है वसल जारी है एक सूरज पे चांद भारी है इसका मतलब है वसल जारी है बेदिली दिल से कैसे निकलेगी बेदिली दिल से कैसे निकलेगी एक उम्मीद दिल पे तारी है बेदिली दिल से कैसे निकलेगी एक उम्मीद दिल पे तारी है आज फिर आखिरी विशाल हुआ आज फिर आखिरी विशाल हुआ अब यही ज़िंदगी हमारी है मैं समझ ही नहीं सका क्या है मैं समझ ही नहीं सका क्या है ज़िंदगी है कि गम गुसारी है एक चिड़िया का घोंसला टूटा एक चिड़िया का घोंसला टूटा एक बिल्ली की रोज़गारी है बात लफ्ज़ों की है नहीं लेकिन बात लफ्ज़ों की है नहीं लेकिन सिलसिला ख़तूत जारी है और अख्तिती घड़ी में इल्म आया अख्तिती घड़ी में इम आया ज़िंदगी मौत की बीमारी है बात में दम नहीं मगर हमने बात में दम नहीं मगर हमने जिंदगी जिंदगी से हारी है थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द इंडियन फनकार शो ऑन यूट्यूब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन